तो एयर इंडिया ने छात्रों के लिए स्पेशल डिस्काउंट ऑफर का ऐलान कर दिया और स्कीम के तहत पढ़ाई के लिए देश भर में एयर इंडिया से कहीं भी सफर करने पर छात्रों को सस्ते में टिकट दी जाएगी। एयरलाइंस की सस्ती टिकट 3,500 रुपए से शुरू होगी और 1,000 किलोमीटर तक की दूरी के लिए टिकट होगी, तो वहीं इससे ज्यादा सफर करने पर 5,500 रुपए चुकाने होंगे। छात्र इसके लिए आज से ही टिकट बुक करा सकेंगे और यह स्कीम 31 जुलाई तक लागू रहेगी। इसके लिए छात्रों को 1 जुलाई से 31 अगस्त के बीच सफर करना होगा। तो जहां एक तरफ देश भर में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए, तो वहीं गोवा के लोगों को राज्य सरकार ने तोहफा दिया है। गोवा सरकार ने पेट्रोल पर वैट 20% से घटाकर 15% कर दिया, जिसके बाद गोवा में पेट्रोल की कीमत घटकर 59 रुपए 10 पैसे प्रति लीटर हो गई। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने आज से देश भर में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिए थे, जिसके बाद गोवा में पेट्रोल की कीमत 62 रुपए प्रति लीटर हो गई। लेकिन गोवा सरकार ने अपना वादा पूरा करते हुए वैट में कटौती करके जनता को खुश कर दिया। 2012 में बीजेपी सरकार ने सत्ता में आने के बाद गोवा में पेट्रोल पर से वैट हटा दिया था, जिसके बाद पेट्रोल कीमतों में 11 रुपए प्रति लीटर की कटौती हुई थी। तो मई में मारुति सुजुकी की कुल बिक्री 7.1% बढ़कर 1,23,034 यूनिट्स हो गई। इस दौरान कंपनी की घरेलू बिक्री 10.6% बढ़ी। हालांकि इस दौरान ऑल्टो और वेगनार जैसी मिनी सेगमेंट गाड़ियों की बिक्री 5.6% घटी है, जबकि स्विफ्ट, एस्टिलो, रिट्स, डिजायर और बेलिनो की बिक्री 11% बढ़ी। मई में मारुति के एक्सपोर्ट्स में 20.8% की गिरावट दर्ज की गई, तो वहीं महिंद्रा की बिक्री 10.8% बढ़कर 40,656 यूनिट रही है। अशोक लेलैंड की बिक्री 6% बढ़कर 9,875 यूनिट्स रही। मई में हीरो मोटोकॉर्प की बिक्री 2.32% बढ़कर 5,83,117 यूनिट्स रही है, जबकि यामाहा की टू व्हीलर बिक्री 36% बढ़ी। मिले जुले संकेतों के चलते आज भारतीय बाजारों की अच्छी शुरुआत हुई, लेकिन ऊपरी स्तरों पर दबाव के चलते निफ्टी लगातार 3 कारोबारी सत्रों में 8200 के स्तर के ऊपर टिकने में कामयाब नहीं रहा। सेंसेक्स 46 अंक और निफ्टी 20 अंक की बढ़त के साथ बंद हुए। आईटी, एफएमसीजी, टेलीकॉम कंपनीज के शेयर्स में सबसे ज्यादा खरीदारी रही, तो वहीं बैंकिंग शेयर्स में गिरावट देखने को मिली। तो मॉर्गन स्टेनली रिसर्च के एमडी रिथम देसाई मानते हैं कि तमाम अच्छी बातों के बावजूद घरेलू बाजार में शॉर्ट टर्म में गिरावट आ सकती है। देसाई की माने तो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के हालात को देखते हुए ये गिरावट मुमकिन है। अमेरिका, जापान और यूरोप के बाजारों में बिकवाली की आशंका के आधार पर यह अनुमान जताया गया है। हालांकि ये नजरिया केवल 3 से 4 महीनों के लिए है। देसाई के मुताबिक साल भर के लिहाज से सेंसेक्स 27,500 के स्तर तक जा सकता है, लेकिन बाजार में तेजी का दौर आया तो सेंसेक्स 30,000 के स्तर को भी छू सकता है। टाटा स्टील यूके ने अपने लॉन्ग प्रोडक्ट स्टील कारोबार को ग्रेबुल कैपिटल को बेचने की प्रक्रिया पूरी कर ली। इसमें ब्रिटेन के स्कंथ्रो प्लांट की बिक्री भी शामिल है। इसके अलावा टाटा स्टील ने फ्रांस के टेसाइड मिल्स भी बेच दी। टाटा स्टील के यूरोप के प्लांट में 4,800 लोग काम कर रहे थे और अब ब्रिटिश स्टील के कर्मचारी होंगे। टाटा स्टील ने मार्च में यूके की स्टील कंपनीज को बेचने का ऐलान किया था। इसके लिए कर्मचारियों और ट्रेड यूनियन को भी भरोसे में लिया गया। गर्मियों की छुट्टियां हो या फिर सर्दियों में कहीं घूमने जाना हो, स्विट्जरलैंड की तर्ज पर ग्लास ट्रेन में देश की वादियां घूमना हो या फिर ट्रेन से वाइल्ड लाइफ का रोमांच महसूस करना, मुसाफिरों की हर ख्वाहिश को पूरा करने के लिए रेलवे ने कोशिश तेज कर दी। कैसे, देखिए इस रिपोर्ट में। ट्रेन से देश की खूबसूरती देखने, समझने और महसूस करने की इच्छा रखने वालों के लिए रेलवे बड़े कदम उठा रही है। इससे न केवल टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा बल्कि रेलवे की कमाई भी बढ़ेगी। IRCTC ने रेलवे टूरिज्म के लिए ऐसा गुलदस्ता तैयार किया है जिसमें विशेष ट्रेन, विशेष रेल पैकेज से लेकर क्लास कोच ट्रेन और कई ट्रेनों में टूरिस्ट स्पेशल कोच लगाए जा रहे हैं। हमारे अलग अलग जोन से जो है लगातार पैकेजेस निकाले जाते हैं, स्पेशली उस समय जिस समय की गर्मियों की छुट्टी होती है या फिर बच्चे घूमना चाहते हैं। IRCTC टूरिज्म के लिहाज से जो कदम उठा रही है उसमें शामिल है स्पेशल टूरिस्ट बुद्धा सर्किट ट्रेन, स्पेशल टूरिस्ट गोवा सर्किट ट्रेन, राजा महाराजाओं के सफर का अनुभव कराती सुपर लग्जरी ट्रेन, वाइल्ड लाइफ देखने के लिए टाइगर एक्सप्रेस ट्रेन,
कश्मीर की वादी और आंध्र प्रदेश में अरागू वैली देखने के लिए ग्लास ट्रेन, आगरा, मथुरा, वैष्णो देवी जैसी जगहों के लिए ट्रेनों में स्पेशल कोच। IRCTC को टूरिज्म के जरिए 2013-14 में 362 करोड़ रुपए की कमाई हुई थी। रेलवे मंत्रालय इस कमाई को आने वाले 3 से 5 साल में दोगुना करना चाहता है। समीर दीक्षित, जी मीडिया, दिल्ली। तो LG ने आज भारत में अपना नया फ्लैगशिप फोन G5 लॉन्च किया और इस फोन की कीमत 52,990 रुपए है। G5 में दो रियर कैमरा दिए गए, एक 8 मेगापिक्सल और दूसरा 16 मेगापिक्सल का। 8 मेगापिक्सल कैमरे से वाइड एंगल फोटो खींचने की सुविधा है। इस फोन का डिस्प्ले 5.3 इंच है और इसमें गोरिल्ला ग्लास 4 स्क्रीन दी गई। G5 में स्नैपड्रैगन 820 प्रोसेसर और 4GB रैम है। इसकी इंटरनल मेमोरी 32GB है। साथ ही क्विक चार्जिंग ऑप्शन है जो G5 की बैटरी को 30 मिनट में 85% तक चार्ज करता है। इस फोन में 4000mAh बैटरी दी गई। तो फिलहाल न्यूज़ टुनाइट में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।